जहां हराम में पढ़ने का क्या हो, अंदेशा हो। आलिम कहता है मैंने 40 शबे बुद अमल किया ताकि इमाम जमाना की ज्यारत हो जाए। ख्वाब आया, ए आलिम अगर चाहता है मौला की ज्यारत हो, फला रात फला मोहल्ले में फला गली में एक घर है वहां चले आओ, तुझे तेरे मौला की ज्यारत हो जाएगी। कहता है मैं खुशी खुशी 40 हफ्ते पूरे हुए फर्जंद जहरा की ज्यारत हो, इमाम जमाना की ज्यारत होगी। मैं निकला, कहता है ढूंढता ढूंढता जो ख्वाब में एड्रेस मिला उस गली में पहुंचा, रात का अंधेरा, दरवाजे पे दस्तक दी, किसी शख्स ने, एक शख्स ने दरवाजा खोला, घर के अंदर गया, 3-4 लोग बैठे थे और सहन में एक जनाजा पड़ा हुआ था। कहा ये किसका जनाजा है? कहा एक मोमिना का जनाजा है। कहा आप? कहा मुझे इशारा मिला है कि यहां आऊं इमाम जमाना से मुलाकात होगी। कहा हम भी फर्जंद जहरा का इंतजार कर रहे हैं। कहा जनाजा क्यों रखा हुआ है? कहा क्योंकि इस जनाजे पे नमाज इमाम जमाना पढ़ाएंगे। इसी सदी का वाकया, कोई पुराना नहीं है। इस जनाजे पे नमाज इमाम जमाना पढ़ाएंगे। का अचानक से दहशत तारी हुई, दरवाजे पे दस्तक हुई, जैसे दरवाजा खुला हुज्जत इमाम जमाना दरबारे, हुज्जत खुदा घर के अंदर। कहता इतनी दहशत थी मैं मौला से कलाम नहीं कर सकता, उनको देखते ही निगाहें झुक गई, सर अदब से झुक गया। यहाँ इमाम ने इमामत करवाई, हम सब ने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ाने के बाद मौला चले गए। मैं हैरत में था, 40 हफ्ते मैंने दुआ की इमाम की ज़ियारत, इमाम ने यहां मुझे भेजा। तजस्सुस पैदा हुआ, ये किसका जनाजा था, ये कौन खातून थी? दफन हुई, तदफीन हुई, बाद में जो बचे कुछ लोग थे मैंने उनसे कहा ये कौन थी, इतना बड़ा मकाम, किसके जनाजे पे इमाम जमाना आया? एक सलमान फारसी था कि मदाइन में अली नमाज पढ़ाने जा रहे हैं, एक हारून का बेटा कासिम था, दुश्मन का बेटा है, नमाज इमाम मूसा कासिम पढ़ाने आ रहे हैं। ऐसे ऐसे वाकयात मिलते जिन्होंने वाकयान अपने मौला की इसी तरह इताअत की जिस तरह इमाम ने कहा है। कब बता इस खातून ने क्या किया? ज़ियारत आशूरा पड़ी थी, 5 वक्त की नमाजी थी, हज किया था, ये सारे काम तो हम भी करते हैं। कहा कि ये जमाना था रजा शाह के बाप का, उस वक्त अतातुर्क ने, इस बदबख्त ने, ये तुर्की के जितने मुसलमान अब तबाही की तरफ देखते हो, ये अतातुर्क ने किया था। उनके फौंड छीने, उनसे पूरा सेक्युलर बना दिया, पाबंदी लगाई थी उसने हिजाब पे, तो शाह ने भी पाबंदी लगाई ईरान में कि कोई भी खातून चादर पहन के निकलेगी उसकी चादर उतारी जाए। ऑफिसेज में जहां जो कमजोर शिया थे बीवियां उन्होंने भेज दी स्कर्ट में। कहता ये खातून अपनी चादर को बचाने के लिए 14 साल घर से नहीं निकली कि मेरा मौला मुझसे राजी हो जाए। अज्र ये मिला जब रूह बदन से निकली, इमाम ने कहा तूने हमारी इज्जत की है, हम तेरे जनाजे की इज्जत करने आए। वल्लाह जो उनकी इज्जत करे नतीजे में वो इनाम मिलता है।